दिया है। जिस प्रकार से जो आयुष के छात्र हैं वो कई दिनों से हमने देखा है कि फीस वृद्धि को लेकर धरने पे बैठे, उन्हीं का समर्थन करने के लिए NSUI और युवा कांग्रेस उनका समर्थन कई दिनों से कर रही है, लेकिन अभी हमने जो परसों हमने देखा कि जो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो पवेलियन ग्राउंड में एक कार्यक्रम में आए थे, तो उनका विरोध करने संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करने के लिए आयुष के छात्र, हमारे NSUI के छात्र और युवा कांग्रेस के साथी उन्हें काले झंडे अपना विरोध संवैधानिक तरीके से उनको विरोध प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा जबरन उनको छात्रों को वहां से पकड़ा गया, उनको पकड़ के पुलिस थाने लेके गया और पूरा दो दिन उनको वहां पे रखा गया, जबकि काले झंडे और विरोध प्रदर्शन में देखा गया कि एक दो घंटे डिटेन करके छात्रों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ही पुलिस ने क्योंकि हम जो आंदोलन कर रहे हैं जिनके कॉलेजेस हैं वो माफियाओं के कॉलेज है, मंत्रियों का कॉलेज है, और उसी के दबाव में जो पुलिस प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई, पूरे दो दिन हमारे छात्र नेताओं को पुलिस हिरासत में रखा गया, तो हमने आज ये इसलिए पुतला फूंका है कि हम पुलिस प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि वो संविधान के दायरे में रहकर और संवैधानिक तरीके से अपना कार्य करें, ना कि सरकार के दबाव में आके कोई भी अनर्गल फैसले उठाए, अनर्गल कार्य करें, और हम आज इस पुतले के माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांगों को नहीं माना गया तो युवा कांग्रेस NSUI मिल सही और कांग्रेस संयुक्त रूप से मिलकर पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री आवास, घेराव सचिवालय, कूच और प्रधानमंत्री ये मुख्यमंत्री विधानसभा सब हम घेराव काम करेंगे, उसके बावजूद अगर सरकार नहीं चेती तो हम जो युवा कांग्रेस और पूरा युवा पूरे प्रदेश का युवा जेल भरो आंदोलन करने को बाध्य होगा।